नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पाकिस्तान से जला टिड्डी दल राजस्थान होते हुए वहां पर तबाही मचाने के बाद किसी भी वक्त हरियाणा में प्रवेश कर सकता है, ऐसी आशंकाएं जता रही है। और इसी के चलते राजस्थान से सटे हरियाणा के 8 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन ने टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयारियाँ जोर शोर से शुरू कर दी है और जिला प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर चल रहे मैसेज को गलत बताया। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में शाम तक टिड्डी दल का हमला होने की आशंका बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इस संभावना को नकारते हुए बीते दिनों हनुमानगढ़ में टिड्डी दल देखे जाने की बात कही, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा उस दल को वहीं पर समाप्त कर दिया गया, इसलिए फतेहाबाद में फिलहाल टिड्डी दल के कोई हमले की आशंका नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि चूँकि टिड्डी दल हवा के प्रवाह के साथ चलता है, इसलिए वे अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि टिड्डियों के कई बड़े दल पाकिस्तान से होते हुए देश में दाखिल भी हो चुके हैं। टिड्डियों के हमले से बचाव के लिए गांव, मंदिर, गुरुद्वारों और मस्जिदों में मनवादी करवाई जा रही है। कृषि विभाग ने उन सभी किसानों को सूची तैयार कर उनको अलर्ट पर कर दिया है जिनके पास स्प्रे पंप है, ताकि आपदा के समय इसका उपयोग किया जा सके, क्योंकि टिड्डी दल बहुभक्षी और अंतर्राष्ट्रीय कीट है जो कि सभी प्रकार की वनस्पति को हकाहक कर काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। बताया जा रहा है कि टिड्डी दल हमेशा रात को फसल पर बैठता है और इसी से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट।